आपके शोल्डर के ऊपर इसका भार गिर रहा, इसको पकड़ के अपने को स्टार्टिंग में शुरुआत में अभ्यास कुछ इस प्रकार से करना है। सो जय महाकाल, स्वागत है आपका पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह। कई रिक्वेस्ट आ रही थी दोस्तों और कई उनके सवाल भी थे कि सरकवे शोल्डर से भी क्या मुद्गर का प्राणायाम कर सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी सेट करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्षत्रिय प्राणायाम के अंदर यानी मुद्गर अभ्यास के अंदर आपका शोल्डर को जितना ताकत मिलेंगी और जितना जल्दी वो सेट होएगा, आपके शोल्डर के जो लिगमेंट्स रहते हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि पहले से भी ज़्यादा मजबूती आपके शोल्डर में यानी आपके कंधों में पहले से भी ज़्यादा मजबूती आराम से आ जाएंगी। उसके अंदर आपको बड़े बड़े मुद्गर उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से छोटे छोटे मुद्गर से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। समतोल्य का इसमें ज़्यादा रोल रहेगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके अंदर दोस्तों आपको लेना है छोटा सा मुद्गर। छोटे से मुद्गर से भी पहले दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लंगोट पहनना जरूरी, जिस्म के अंदर थोड़ी गर्मी आना जरूरी, और शुरुआत में आप किसी की सहायता लेकर भी कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद में आप इसके ऊपर समतोलामुखी और मुद्गर के ऊपर जाइए आप। तो शुरुआत में मैं आपको एक सहायक के द्वारे बताऊंगा, उसके बाद में अपन इसको मुद्गर और समतोलामुखी से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिनका शोल्डर राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है सर का वाला था, तो उनको हाथ पहले ऐसा रखना है हवा में, सिर्फ बिना किसी के सहायता के इसको ऐसे ऐसे आप सरका सकते हैं। आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं होना, बस आपका हाथ ऐसे मुड़ना। ये होने के बाद किसी की सहायता लेकर आप ऐसे चलाओ, किसी की सहायता लेकर उसके हाथ को इस तरह ढकेलने की कोशिश कीजिए। इससे सीधा सीधा आपका भार आपके शोल्डर पर पड़ेगा। ऐसा होने के बाद में उल्टा हाथ करके ये होने के बाद में दोस्तों उसी सहायक को बोलना है कि आपने हाथों को ऊपर से दबाए, यहाँ से दबाओ, मेरे हाथों पर हाथ रखें आराम आराम से, ये जल्दबाजी नहीं करना इसके अंदर, दबाओ। वापिस से ऐसा भी हाथ रखें, ऊपर से दबाओ, तो ये अभ्यास होने के बाद में आपको लेना है समतोलामुखी। दोस्तों अभ्यास होने के बाद में आपको लेना है समतोलामुखी, जिसके अंदर एकदम लाइट वेट है, ये 2.5 से 3 किलो एक ही मुखी का इसके अंदर अभ्यास। इसको पकड़ना है ऐसे, जैसे आपको पकड़ेंगे आप इसको, आपके सीधा यहाँ पर जो शोल्डर के ऊपर बोन रहती, बोन के ऊपर इफेक्ट गिरेंगे इसका, जिससे कि साबित होता है कि आपके शोल्डर के ऊपर इसका भार गिर रहा। इसको पकड़ के अपने को स्टार्टिंग में शुरुआत में अभ्यास कुछ इस प्रकार से करना है। राइट में पहने तो लेफ्ट शोल्डर तक इसको ले आना है वापिस, उसके बाद इसको ऐसा गौर करिएगा दोस्तों, आपको सीधा सीधा ये शोल्डर के जॉइंट के ऊपर ही इसका असर गिरने वाला है। लेफ्ट हैंड से 100% आपको भार पूरा शोल्डर के लिगमेंट्स पे पड़ेंगे। ये शोल्डर की जो जॉइंट सरक जाती, कंधा जिसका सरक जाता, आराम से बिना किसी दवाई के आराम से सेट हो जाएगा। इसके बाद आप ये अगला अभ्यास एक मुक्की से भी कर सकते, दो मुक्की से भी कर सकते। मैं आपको दो से भी बताऊंगा, एक से भी बताऊंगा। पहले आप मुक्की से आपको इस प्रकार पकड़ना है, आपका समतोलामुखी पकड़ने के बाद इसको उठाना है, बस ऐसे उठा के ये फिर वापिस नीचे ऊपर ले गए, घुमाए वापिस नीचे। लेफ्ट हैंड से भी सेम, जितना जल्दी आपको इसका असर मिलेगा, शायद ही किसी दवाई आपको काम नहीं करेंगी, जितना असर आपको ये समतोलामुखी और अपना देशी अभ्यास है उससे आपको मिलेगा। उसके बाद सीधा आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, सीधा उठा सकते हैं इसको, आराम से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, आराम से स्थिरता ऊपर ला के रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा आप रोकने की कोशिश करेंगे आपके देखिए शोल्डर के लिगमेंट्स के ऊपर भार पड़ेगा, जिससे उसके अंदर मजबूती आएंगी। इसको आप दो मुखी से भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वापिस स्थिरता,
ये ऊपर लाने के बाद में उसको स्थिरता दीजिए, यानी होल्ड कीजिए अच्छे से। सीधा सीधा आपके शोल्डर के ऊपर ही गिरेगा, शोल्डर की हड्डी जो सर का भी रहती है उससे 100% बढ़ जाएंगी। उसके बाद में ये साइड में उठाए, ऊपर नीचे बिल्कुल आराम आराम से, जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपके कंधों में यानी आपके शोल्डर के जॉइंट्स में से कट कट आवाज भी आ सकती है। क्यों आती है आवाज? क्योंकि आपका शोल्डर बराबर से सेट नहीं है। ऐसा ऐसा ऐसे कीजिए, आपका शोल्डर 100% सेट होगा। ये दोस्तों एक जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हमारे प्राचीन भारतीय कला में मुदगरी एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर जिसके मात्र अभ्यास से आपके जिस्म के 206 हड्डियों के ऊपर आपको असर गिरेगा, यानी आपके 206 हड्डियां बहुत मजबूत होंगी। 30 साल के बाद में तो इसको करना ही करना है। जैसे जैसे आपके हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम होता रहता वैसे वैसे आपको जोड़ों के दर्द चालू होते। ऐसा कौन सा जोड़ नहीं है जिससे कि आपको मुदगर से फायदा ना पहुंचे। बढ़ते अगले अभ्यास के लिए। दोस्तों अगले अभ्यास में इसको आपके लिगमेंट्स को स्ट्रांग करने के लिए इसको घुमाना है, बस ऐसा छोटा सा मुदगर लिया हमें 2.5 से 3 किलो। जिनको फ्रोजन शोल्डर भी रहता है, यानी डॉक्टर कई जगहों पर डॉक्टर बोल देते कि आपको 3 महीने रेस्ट कम से कम लेना ही लेना है, वहां पर हमने देखा है कि हमारा मुदगर का अभ्यास फ्रोजन शोल्डर और डिसलोकेट जो शोल्डर रहा था उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रहा। कई सारे ऐसे बंधु है जिनका शोल्डर इतना भी नहीं उठ सकता। जब उनका शोल्डर इतना भी नहीं उठ रहा तो उनको क्या करते, हम मुदगर देते। मुदगर से सबसे पहले तो उनका हाथ नीचे जाएगा, जिससे उसके उनके शोल्डर के ऊपर थोड़ा वेट गिर के रिलैक्स होगा उन्हें। उसके बाद मात्र इतना ही करने के लिए उनके अभ्यास हम कहा जाता है, बस इतना ही, जितना हो सके उतना ही, ज़्यादा जोर नहीं, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, इतना ही इतना। कम भी हो रहा तो बस है, ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको लेना नहीं है। बहुत असरदार है दोस्तों ये देखिए। उसके बाद वो खुद ब खुद ऐसे ऐसे उनका स्टैमिना उनका कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं। अगर आप हाथ लगा के यहाँ पे देखें तो आपको शोल्डर के अंदर जो सरकवी हड्डी रहती वो एकदम सही पोजीशन पे आने के लिए ऐसा ऐसा आते जाती। इसके बाद थोड़ा आराम से बढ़ाते जाइए आपका हाथ। कई सारे वीडियोस भी डाला मेरे चैनल पे जिनका शोल्डर का पेन था, फ्रोजन शोल्डर था, बिना किसी दवाई के उनको उस दर्द से निजात मिली। उसके बाद ऐसा पकड़ के भी ठहरना है दोस्तों आपको मुदगर को, ऐसा पकड़ के ठहरने से भी आपके सीधा सीधा जॉइंट के ऊपर वेट गिरेगा, यानी भार गिरेगा। जो डिसलोकेट हुआ हुआ शोल्डर है वो इससे सेट होगा। जो नॉर्मल अभ्यास करते हैं अपन घुमाने का, इस पे आ जाएंगे आप। भस्त्रिका लेते हुए यानी श्वास गहरी खींचते हुए, इसमें आपको ज्यादा स्टाइल्स करना नहीं है, जैसे कि ये हो गया ऐसे ज्यादा स्टाइल्स करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही स्टाइल जो प्राचीन और ज्यादा फेमस स्टाइल है, ये आपकी नाभि तक हाथ, आपके नाक से आपके नाभि तक लेवल में इसको आने के बाद में ऐसा ये स्टाइल। दूसरा स्टाइल जो मैं पहले बताया, ये इसको शोल्डर के लेवल में सीधा रख के ये स्टाइल। फिर दोस्तों ये अभ्यास के बाद जैसे जैसे आपका शोल्डर में ताकत आते जाएंगे, आपकी हड्डी जैसे जैसे ऐसे ऐसे जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगी, उसके बाद आपको चलाना है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भी ऐसा है, ब्रह्मास्त्र जो कि शोल्डर को अच्छे से अच्छे यानी टूटे हुई भी हड्डी अगर रहेंगी आपकी शोल्डर की तो ऐसे ऐसे वो आपको इतना मजबूती देंगी जो मतलब यानी कि पुरानी हड्डी में भी इतनी ताकत नहीं होगी जितना नई हड्डी आपकी जुड़ने के बाद में ताकत मिलेंगी। और वो ब्रह्मास्त्र है दंड। दंड कैसा करना है आपको मैं बताता हूँ, बना रही है हमारे साथ। दोस्तों ये है दंड, शुद्ध देशी दंड, लेकिन ये आपको एकदम करना नहीं आएगा जिनका शोल्डर डिसलोकेट है यानी हड्डी सरकवी है शोल्डर की।
शोल्डर खिसका हुआ है वो ये नहीं कर सकते। उनके लिए शुरुआत में आपको घुटनों के बल ठहरना है। ये देखिए दोस्तों, घुटनों के ऊपर बैठने के बाद में यानी घुटने टेक के हाथ भी टेकना है आपको। दोस्तों कुछ इस प्रकार का आसन लगाते हुए आप घुटने लगा के नीचे दोनों हाथ टेक के आपको कंधों के ऊपर थोड़ा वेट डालना है। डालने के बाद में कोई भी एक हाथ पहले उठाना है, हवा में उठा के इसको रोकना है और इसके ऊपर थोड़ा सा इधर झुकाव डालेंगे तो आपके शोल्डर के ऊपर वजन गिरेगा। सेम दूसरे हाथ से भी इसको नीचे, ये हाथ ऊपर, इसके ऊपर वेट, फिर इसको नीचे। आहिस्ता आहिस्ते से एकदम आपको वजन पूरा आपके शोल्डर के ऊपर डालने का है। इसके बाद दोस्तों दोनों हाथ नीचे लगा के डंड मारने की कोशिश कीजिए आराम आराम से। टोनियों का पोजीशन एकदम बगलों के अंदर है ना, ताकि आपके शोल्डर की जो हड्डियां हैं वो एकदम सीधे से आए। आराम से नीचे झुको, बस उठना है वापस वहीं पर, उठ के पीछे वापस नीचे जाओ। स्टार्टिंग में आप घुटने टेके करना है दोस्तों, ऊपर आओ वापिस से नीचे। ध्यान रखिए इसको डिप्स की तरह नहीं मारना है आपको। डिप्स की तरह अगर मारेंगे तो और आपके शोल्डर के अंदर खराबी आ सकती है, लिगमेंट्स और खराब हो सकते हैं। इसको प्राचीन जो अपना तरीका है वैसे यानी बगलों के बाजू से आपके फसलियों के करीब से आपके टोनिया लगते हुए ऊपर आना। ये अभ्यास होने के बाद में आपको पूरा डंड लगाना है। पूरा डंड लगाओ, ये देखिए दोस्तों, इससे आपका शोल्डर कभी सर्किंग आने आपके लिगामेंट्स यानी जो रस्सी आपके कंधों को पकड़े हुई जगड़े हुई रहती वो एकदम मजबूत होंगी। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप डंड लगाते वक्त नीचे जा रहे तो उसको श्वास फेंकना है, ऊपर उड़ते वक्त श्वास खींच के आसमान को देखना है। ये बहुत ही बेहतरीन ब्रह्मास्त्र शोल्डर के लिए। दोस्तों यह था सरके हुए शोल्डर को सही करने का अभ्यास। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रजनों के साथ इसको आप शेयर कीजिए। हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, कोई हर कोई रोग मुक्त रहना और हर कोई बलवान रहना। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।